वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। मित्रों, अभी आप सबने सम्राट पृथ्वीराज का एक यहां पर, अभी ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है लेकिन उसका एक शो यहां पर देखा है। अपने अभिनव से प्रख्यात अभिनेता श्री अक्षय कुमार जी ने अभिनव को जिस रूप में बांध करके न केवल अपने अभिनव के माध्यम से बल्कि भारत के अतीत को जोड़ करके जिस एक फिल्म को हम सबके सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रस्तुत किया है, मैं इसके लिए इस फिल्म के जो निर्देशक हैं अक्षय कुमार जी को, चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी को, अभिनेत्री सुश्री मानसी छिल्लर जी को और सभी कलाकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे कई वर्षों के बाद किसी फिल्म को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। समय भी नहीं रहता है लेकिन अक्सर मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी इस प्रकार की फिल्मों को बड़ा पसंद करते थे तो वे लोग कहते थे कि कुछ ऐसा अवसर हो। लेकिन आप सब जानते हैं, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी और आदरणीय राष्ट्रपति जी का भी उत्तर प्रदेश दौरा है और एक साथ दोनों का एक जगह कार्यक्रम है। मैं उसी कार्यक्रम की तैयारी देखने के लिए प्रातःकाल ही चला गया था। मेरा प्रयास था कि मैं 11:30 बजे तक यहां पहुंचूं। मुझे कुछ देरी भी, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने पूरी धैर्य के साथ, पूरी तन्मयता के साथ हमारे इन कलाकारों के इतिहास को जोड़ने के इस कार्यक्रम के साथ आप सब जुड़े रहे। मैं जब कानपुर देहात में था तो मेरे साथ वहां पर मेरे सहयोगी मंत्री श्री राकेश सचान वहां पर थे, तो जब मैं चलने के लिए हुआ तो उन्होंने कहा कि आज आपने फिल्म देखने के लिए हमें पहली बार कहा और आप हमें ही छोड़ रहे हैं। मैं चलिए अभी से मेरे साथ में, मैं उनको भी साथ में लेके आया। लेकिन मेरी अनुपस्थिति में यहाँ केशव मौर्य जी थे, मेरे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर इस फिल्म के साथ जुड़े थे और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। परिवार के साथ लोग देख सकते हैं, मनोरंजन भी है और इतिहास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये फिल्म बहुत कुछ हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अतीत के बगैर वर्तमान नहीं होता है और अतीत की कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन गलतियों का परिमार्जन लगातार 75 वर्षों से हम करते हुए अब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आए हैं। मित्रों, 75 वर्ष का एक कालखंड हम सब के लिए चिंतन का कालखंड है, आत्मावलोकन का कालखंड है और आगामी 25 वर्ष के अमृत काल का जो आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इन 25 वर्षों में हमें भारत को कहां लेके जाना है, इस पर अभी से कार्य योजना बनाकर के उसे लागू करने का एक प्रयास हम सबके स्तर पर होना चाहिए। राष्ट्रोत्थान का जो अभियान है, इस राष्ट्र यज्ञ में हम सब की अपनी भूमिका होगी। कला अपने आप में एक प्रतिभा होती है, ईश्वर प्रदत्त एक
विशिष्ट प्रतिभा होती है और उस कला को अभी इस सम्राट पृथ्वीराज के रूप में इस फिल्म के माध्यम से इस देश के प्रख्यात अभिनेता श्री अक्षय कुमार जी की इस अभिनय के माध्यम से हम सब ने इस फिल्म के माध्यम से देखा है। मैं यहां पर अक्षय कुमार जी का, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, आपने उनके कार्य को इससे पहले चाणक्य जैसे सीरियल के माध्यम से भी देखा है और भी अन्य तमाम ऐसे कार्यक्रम जो हमें राष्ट्रीयता के साथ जोड़ता, उस कार्यक्रमों के माध्यम से हम लगातार इसका अनुभव करते रहे हैं। आज वे स्वयं भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सुशी मानसी जी, इससे पहले भी भारत माता के इन कलाकारों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक आम जनमानस से जुड़ी हुई तमाम विषयों को लेकर के फिल्मों का निर्माण किया। ये फिल्में वास्तव में केवल मनोरंजन के साधन मात्र नहीं है, लोक जागरूकता के भी, राष्ट्रीय प्रेरणा के भी और समाज को एक नई दिशा देने के भी माध्यम बन सकते हैं। यह अक्षय कुमार जी ने और उनकी पूरी टीम ने समय समय पे किया है। मैं आज के इस अवसर पर अपने उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि फिल्म बहुत शीघ्र यहां पर हमारे बीच में आएगी, उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी देखेंगे और उत्तर प्रदेश में इसको हम टैक्स फ्री करने की भी घोषणा इस अवसर पर करते हैं, जिससे एक कॉमन मैन भी इस फिल्म को देख करके, और इसमें तो उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे स्थल हैं और उन स्थलों के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता भी पैदा होगी, तो स्वाभाविक रूप से आज हमारा कन्नौज इत्र के साथ साथ गोबर के साथ भी जुड़ रहा है और स्वाभाविक रूप से कन्नौज को जानने और अन्य उत्तर प्रदेश की उन सभी स्थलों के बारे में जानने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस पूरी फिल्म के साथ जुड़े हुए अक्षय कुमार जी, मानसी और उनकी पूरी टीम का मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि इस प्रकार की रचनात्मक फिल्मों के माध्यम से समाज को जागरूक करने, समाज को एक नई प्रेरणा प्रदान करने का वह निरंतर प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश शासन उनके इस पूरे कार्यक्रम के साथ सदैव सकारात्मक रूप से उनका सहयोग करने के लिए तत्पर होगी। मैं एक बार फिर से, आप सभी ने बड़े धैर्य के साथ इस फिल्म को देखा है, मैं आपका भी हृदय से स्वागत भी करता हूँ, आपको हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, एक जनपद एक उत्पाद के हमारे कुछ प्रोडक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी।